आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे पर आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने वाले हैं, मतलब कि 11 का विभाज्यता करनी हो। ऐसे अगर हमें चेक करना हो कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो उसकी एक खास ट्रिक होती है। उस ट्रिक का यूज करके हम कुछ ही सेकेंड्स में ये पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, मतलब वह संख्या 11 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से कोई संख्या है और इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे उसके अंक हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो इवन प्लेसेस हैं और जो ऑड प्लेसेस हैं उनके अंकों का सम करना पड़ता है, उनके योग करना पड़ता है और उनके बाद उन संख्याओं का डिफरेंस लेना पड़ता है, उनका अंतर लेना पड़ता है। अगर वह अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य होने वाला कोई नंबर आ जाए, तो इस स्थिति में वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाती है, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाती है। इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस क्या होते हैं, जैसे यह है, हम देखो या तो हम राइट साइड से भी राइट से लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं या लेफ्ट से राइट स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप कहीं से भी लेंगे आपका आंसर सेम आएगा। इसको हम बोलते हैं ये पहली प्लेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। तो यहां पर ऑड प्लेस ये क्या है, ऑड प्लेसेस है, हमें इनका सम करना है। और ये क्या है हमारी, इवन प्लेसेस, हमें इनका सम करना है। और जो दो नंबर आएंगे सम करने का उनका हमें लेना है डिफरेंस। अगर हम एग्जाम्पल करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमें यह चेक करना है 8,798 क्या 11 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम करना है और फिर उनका डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 को कोई मल्टीपल आ जाए तो इस स्थिति में वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। करते हैं, 8 प्लस 9 17, 7 प्लस 8 15। अगर हम इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है, 2। 2 11 से डिविजिबल नहीं होता, या तो 0 आना था या फिर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आना था। इस स्थिति में यह संख्या 11 से डिविजिबल होती, लेकिन यहां पर 2 आया है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब यह संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। सेकेंड नंबर पर आते हैं, सम करते हैं तो 1 प्लस 8 9, 5 प्लस 4 9। तो अगर 9 माइनस 9 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0। मैंने क्या बोला था, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 को कोई मल्टीपल आना चाहिए, और यहां पर जो डिफरेंस है वो 0 आ गया है, मतलब यह संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब यह संख्या 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, तो यहां पर हम पहले ऑड प्लेस का सम, 9 प्लस 1 10, यहां पर 2 प्लस 2 4। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है, 6, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि यह संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, और यहां पर 0 प्लस 4 4, 15 माइनस 4 11, ये 11 आ गया जो कि 11 का मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल है, इसलिए यह संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, ये 10 हो गया। फिर ऑड प्लेसेस का, सॉरी इवन प्लेसेस का हम देखते हैं तो 4 प्लस 5 9, तो 10 प्लस 9 ये कितना आ जाएगा, 1। 1 क्या 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, मतलब कि यह संख्या भी हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इतने में तो आप समझ गए होंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान जो संख्या होती है उनकी डिविजिबिलिटी रूल से भी आसान होता है, मतलब इसको हम सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल बोले तो भी यह गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट संख्याओं पर आते हैं, थोड़ी बड़ी संख्याएं ले लेते हैं हम। तो हमें सिर्फ एक छोड़कर एक ऐसे अंकों का क्या करना है, हमें योग करते जाना है। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 0, तो यहां पर कितना हो गया, सॉरी 9 प्लस 0 9, तो यहां पर 9। और यहां पर हम डिफरेंस का साइन लगा देते हैं, कभी ऐसा हो कि यहां पर बड़ी संख्या आ जाए वहां पर छोटी संख्या आ जाए, तो माइनस में नहीं लेना, हमें डिफरेंस लेना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। 3 प्लस 0 3, प्लस 6 9 हो गया, और 9 प्लस 0 9, तो ये 9 हो गया। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0। तो 0 आ गया, मतलब वह यह संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। यहां पर करते हैं, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13,
सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, कितना आया डिफरेंस वन। अगर वन डिफरेंस आया, वन ग्यारह से डिविजिबल नहीं है, मतलब यह संख्या भी ग्यारह से डिवाइड नहीं होगी। फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, थ्री प्लस जीरो थ्री प्लस एट इलेवन, इलेवन माइनस इलेवन जीरो, जो डिफरेंस है वो कितना आया, जीरो आया, मतलब यह संख्या हमारी ग्यारह से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जीरो आएगा या ग्यारह को कोई मल्टीपल आएगा, सपोज बाईस आता, तैतीस आता, चवालीस आता, तब भी यह संख्या हमारी क्या होती, ग्यारह से डिविजिबल होती। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन और जीरो, तो ये टेन हो गया, माइनस फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस टेन जीरो, मतलब कि यह संख्या भी हमारी 11 से डिविजिबल है। तो बिल्कुल आसान इसका डिविजिबिलिटी रूल है, और मैं चाहता हूं कि इन दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं हैं, संख्या नंबर 11 और संख्या नंबर 12, ये संख्याएं 11 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है 11 के सामने यस और नो, 12 के सामने यस और नो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से 11 से विभाज्य होने वाली संख्या या 11 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का पता लगा सकते हैं। और एग्जाम में हमें कभी कभी 11 का मल्टीपल चेक करना पड़ता है, उस कंडीशन में यह हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये आप ट्रिक समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।